गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और हम सब भी बहुत ही अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, फ्राइडे का दिन है और यहाँ पर अभी सुबह के लगभग 7:15-7:30 के आसपास हो रहा होगा। और मेरा मॉर्निंग का जो भी क्लीनिंग का काम होता है वो सब हो गया है। और यहाँ पर देखिए, बच्चे और हस्बैंड खेल रहे हैं बाहर। बच्चे खेल रहे थे तो अभी जो है अपने पापा को भी ले गया, तो फिर वो भी खेलने लगे थे, तो थोड़ा सा मैंने शूट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर देखिए मैं आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पर मैं कर रही हूँ, आप ब्रेकफास्ट बोल सकते हैं, लंच बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, तो यहाँ पर मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। और आज बन रहे हैं आलू के पराठे, और उसी के साथ जो है मैं बनाने वाली हूँ टमाटर की वायरल चटनी, जो आप सभी ने देखी होगी इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर बहुत जो है वायरल हुई थी, अभी भी चल रही है। तो वही जो है मैं बनाने वाली हूँ साथ में। हस्बैंड वैसे तो काफ़ी दिनों से कह रहे थे, तो मैं बनाना चाह रही थी बट मैं भूल जाती थी। बट आज जो है सुबह जब मैं पराठे बना रही थी ना, तो साथ में जो है धनिया की चटनी बनाने वाली थी, तो हस्बैंड बोले नहीं आज तो वो वाली चटनी बनाओ। तो फिर मैंने कहा चलो बना देती हूँ, इतने दिनों से हस्बैंड कह रहे हैं। और आज बाबू स्कूल नहीं गई है अभी, क्योंकि आज उसके स्कूल में जो है पेरेंट्स मीटिंग है, तो वो अपने पापा के साथ जाएगी। 9 से 10 के बीच में जो है टाइम है, तो बस इसी वजह से मैं यहाँ पर लग गई थी अपने काम में कि जल्दी से खाना बना दूँ, तो हस्बैंड और बाबू दोनों जो है खा जाएंगे। देखिए आलू मैंने पहले ही बॉईल करने के लिए रख दिए थे, तो आलू बॉईल हो गए हैं। तो आलू मैंने रख दिए हैं उतार कर, तो उन्हें निकाल कर रख देती हूँ। जब तक वो ठंडे होंगे तब तक मैं अपनी चटनी की तैयारी कर लूँगी। तो बहुत ज़्यादा ये रेसिपी वायरल हो रही थी, तो सभी लोग जो है ट्राई कर रहे थे, तो मैंने सोचा मैं भी ट्राई कर कर देखती हूँ कि कैसी है। काफ़ी जो है बताते हैं अच्छी लगती है, अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पर मैंने 4 टमाटर ले लिए हैं, मीडियम साइज़ के हैं, ना ज़्यादा बड़े हैं ना ज़्यादा छोटे हैं, और इतने जो है काफ़ी हैं हम लोगों के लिए, क्योंकि बच्चे तो खाने नहीं वाले हैं, मैं और हस्बैंड ही खाएंगे। और यहाँ पर मैंने 5-6 कलियाँ लहसुन की थी वो छील ली थी, पैन रख दिया है। पैन जब तक गर्म हो रहा है मैं यहाँ पर जो टमाटर हैं उन्हें बीच में से काट लेती हूँ, और पैन में ऑयल डाल दिया है। और इसी के साथ ही जो टमाटर का डंठल वाला हिस्सा होता है वो काट कर अलग कर देते हैं। उसके बाद हम इन टमाटरों को डालेंगे पैन में, बट उससे पहले जो लहसुन की कलियां हमने छील कर रखी थी उनको हम पहले अच्छे से जो है भून लेंगे ऑयल में, अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक हमने इनको भून लिया है, क्योंकि ये भी हम चटनी में यूज़ करने वाले हैं। उसके बाद जो टमाटर थे वो मैंने डाल दिए हैं, इस तरह से पैन में रख दिए हैं, एक साइड से ये पक जाएंगे, हम इन्हें पलट देंगे, और हमें इतना पकाने हैं कि इनका जो छिलका है वो आसानी से निकल जाए। तो एक साइड से पक गए थे, मैंने फिर से पलट दिए थे। उसके बाद यहाँ पर जब तक वो पक रहे हैं, हमने यहाँ पर जो लहसुन भुने थे वो मैंने अच्छे से मैश कर लिए हैं। और यहाँ पर देखिए दूसरी साइड से भी टमाटर अच्छे से पक गए हैं, और इनका जो छिलका था काफ़ी सॉफ्ट हो गया है, तो आसानी से निकल आएगा। तो पहले मैं हाथ से निकाल रही थी तो बहुत ज़्यादा गर्म था, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी, फिर मैंने चिमटा ले लिया था और उसकी हेल्प से जो सारे छिलके थे वो मैंने निकाल दिए हैं, और फिर से जो है मैंने उनको पलट दिया है। और अब हम इनको मैशर की हेल्प से अच्छे से पैन में ही मैश कर देंगे, और उसके बाद हम इसमें जो बाकी की चीज़ें हमें यूज़ करनी है वो सब डालेंगे, बट उससे पहले अच्छे से हम इसको मैश कर लेंगे। तो इसी तरह से उसमें बताई गई है, इसको जो है पेस्ट नहीं बनाना है, इसी तरह से बस मैश करनी है मैशर की हेल्प से। उसके बाद यहाँ पर डाला है लाल मिर्च पाउडर, साथ में टेस्ट अकॉर्डिंग सॉल्ट, उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और उसके बाद हमने जो ये लहसुन पेस्ट बना लिया था, तो उसको जो है मिक्स करना है। और उसके बाद जो हरी मिर्च और प्याज हमने काटी थी वो हमने डाल दी है, हरी धनिया डाल दी है, हरी धनिया थोड़ी ही थी तो उतनी ही मैंने डाल दी है, ऊपर से डाल दिया है लेमन जूस, सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। और देखिए चटनी बनकर तैयार हो गई है, देखने में बहुत ही बढ़िया लग रही थी, अब जब खाएंगे तो पता चलेगा। वैसे खाने में भी बहुत ही टेस्टी थी बाद में जब मैंने टेस्ट की थी। अब यहाँ पर हम अपना जो पराठे बनाने वाले हैं उसका वो रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर आलू मैंने अच्छे से मैश कर लिए थे, उसमें मैंने लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, साथ में टेस्ट अकॉर्डिंग नमक डाल दिया है, आटे में भी हमने नमक यूज़ किया है, और जीरा डाल दिया है, साथ में गरम मसाला डाला है थोड़ा, कसूरी मेथी डाली है क्योंकि धनिया खत्म हो गई थी, उतनी ही थी जो मैंने चटनी में डाली थी। बस अच्छे से हम इसको जो है आलू में मिक्स कर लेंगे, और उसके साथ ही थोड़े से जो आलू हैं मैं पहले ऐसे ही निकाल लूँगी अभी के लिए, फिर बाकी की चीज़ें मैं बाद में डालूँगी, फिर वो क्योंकि खाता नहीं है फिर वो छांट छांट के निकालता है। तो थोड़ा सा आलू मैंने निकाल लिया था, और उसके बाद प्याज और हरी मिर्च जो हमने काटा था वो मिक्स कर दिया है आलू में, और अच्छे से हमारा ये जो आलूओं का मिक्सचर है तैयार हो गया है। आटा हमने पहले ही लगा कर रख दिया था, तो वो भी काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो गया है।
और अब हम यहाँ पर जो पराठे हैं वो बना देते हैं। तो बस अब जो है टाइम भी होता जा रहा था, तो बाबू और हस्बैंड अपना रेडी हो रहे हैं और फटाफट से मैं यहाँ पराठे बना देती हूँ। तो पहले जो मैंने आलू अलग से निकाले थे अभी के लिए, पहले अभी के लिए बना देती हूँ, क्योंकि फिर बाबू को दूंगी तो फिर वो भी मांगेगा, तो पहले उसी के लिए बना देती हूँ, वरना फिर वो बाबू को परेशान कर देगा और फिर उसका वाला खाएगा भी नहीं सही से, क्योंकि उसमें प्याज हरी मिर्च वगैरह डली है तो फिर वो छांट छांट कर निकालता है। तो बस यहाँ पर फटाफट से अभी के पराठे मिलकर अभी को दे दूंगी, और उसके बाद जो बाकी के पराठे हैं वो मैं बना लूंगी। तो एक पराठा मैंने बनाकर डाल दिया था तवे पर, और जितने मैंने आलू निकाले थे ना उतने में अभी के लिए दो पराठे बन गए थे, और इतना उसके काफी थे। धीरे धीरे जो है उसने अपने दो पराठे खा लिए थे, इससे ज्यादा वो खाता भी नहीं है। तो बस यहाँ पर एक पराठा था वो अच्छे से हो गया था रेडी, तो बस उस पर घी लगाकर हम उसे अच्छे से दोनों साइड से सेक लेंगे, और आप देख सकते हैं कितने बढ़िया फूले फूले और एकदम हमारे क्रिस्पी पराठे रेडी हो रहे हैं। और इस तरह के जब आलू पराठे बनते हैं ना, सच में खाने में बड़े ही अच्छे लगते हैं, और आज तो जो चटनी बनाई थी ना उसके साथ सच में बहुत ही अच्छे लगे थे, एकदम मजा ही आ गया था सच में। तो जिस तरह से हम टमाटर लाल मिर्च और लहसुन की चटनी बनाते हैं ना, कुछ कुछ उसी तरह से लग रही थी, तो बहुत ही टेस्टी जो है लगी थी पराठों के साथ। देखिए यहाँ पर पराठे हमारे बनकर रेडी हो गए हैं, तो थोड़े पराठे मैंने बना लिए थे, अभी को दे दिए थे, बाबू को दे दिए थे, और बस उसके बाद अब जो है नंबर आ गया है हस्बैंड को देने का। यहाँ पर मैं हस्बैंड के लिए जो है चटनी निकाल कर उन्हें भी दे देती हूँ, वो जब तक खाएंगे तब तक मैं बाकी के और सेक लूंगी और फिर उनको दे दूंगी, क्योंकि फिर अब उन्हें जाना भी है, टाइम हो गया है उनके जाने का। तो बस यहाँ पर हस्बैंड को दो पराठे और चटनी दे आई थी, और साथ में पानी दे आऊंगी निकाल कर, और उसके बाद फिर जो बाकी के बचे हुए पराठे हैं हम वो भी बना लेंगे, तो गर्मा गर्म जो है हस्बैंड भी खा लेंगे। तो खाना वगैरह खाकर हस्बैंड और बाबू जा रहे हैं स्कूल, क्योंकि टाइम हो गया है, थोड़ा लेट ही हो गए थे, तो बस मैं बोल रही थी जल्दी जाओ क्योंकि जाने में भी थोड़ा टाइम लगेगा, बट हस्बैंड ने कि कभी अपनी गाड़ी साफ कर रहे थे कभी मिरर देख रहे थे, तो मैं वही बोल रही थी वैसे भी लेट हो गया है और आप जो है और लेट कर रहे हो। देखिए यहाँ पर अभी जो है लेटा हुआ है, और मेरा जो पराठे थे वो भी सब मेरे बन गए हैं। उसके बाद नंबर आ गया है अब क्लीनिंग का, तो फटाफट से अपना जो क्लीनिंग का काम है वो निपटा देते हैं, और उसके बाद जो बर्तन है वो धुल लेंगे, और नहाना तो अब जो है बाद में ही हो पाएगा जब बाबू आ जाएगी, तो पेरेंट्स मीटिंग है तो वो भी जल्दी ही आ जाएगी आधा एक घंटे में, तब तक जो है अपने ये सारे काम निपटा लेते हैं, और जैसे ही बाबू आएगी तो फिर जो है नहा लेंगे। तो किचन को मैंने अच्छे से कर दिया था क्लीन, और उसके बाद मैंने झाड़ू लगा दी थी, और बस अब नंबर आ गया है बर्तन धुलने का, तो फटाफट से ये जो बर्तन है इन्हें भी मैं जल्दी से धुल कर रख देती हूँ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, मेरा किचन का सारा काम निपट गया है, किचन क्लीनिंग कर दी है, बर्तन भी धुलकर मैंने रख दिए हैं, और अब बस नहाने को रह गया है। तो थोड़ी बहुत देर में बाबू आ जाएगी, उसके बाद फिर जो है मैं नहा लूँगी, क्योंकि जैसे कि आपको बताया आज उसकी पेरेंट्स मीटिंग थी तो वो गई है अपने पापा के साथ, तो थोड़ी बहुत देर में आ जाएगी। और अभी बस ये कपड़े रह गए हैं, इनको मैं बैठकर आराम से फोल्ड कर लेती हूँ, कल जो है शाम को मैंने मशीन लगाई थी तो सूख गए हैं, बस बैठकर इन्हें आराम से कर लेती हूँ फोल्ड, और तब तक आ जाएगी बाबू, तो उसके बाद जो है मैं नहा लूँगी और अभी को भी नहला दूँगी। क्या है आवाज़? अभी कर रहे हैं, तो अभी बैठा हुआ अपना सीरियल देख रहा है चीकू बंटी, तो उसकी मैंने वॉल्यूम जो है बंद कर दी है, तो बस वही जो है वो बोल रहा है। और सच कहूँ तो इतनी टेस्टी जो है चटनी बनी है, बहुत ही अच्छी, फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई की है, जैसे कि आपको बताया बहुत ज़्यादा जो है वायरल थी, तो मैंने सोचा मैं भी ट्राई कर लेती हूँ, आखिर मैं ही क्यों पीछे रह जाऊँ। और हस्बैंड ने जो है बोला भी था, मैं बनाना तो काफ़ी दिन से चाह रही थी बट भूल जाती थी, बट फाइनली आज हस्बैंड ने बोला तो मैंने कहा चलो आज बना ही लेते हैं, वरना फिर से भूल गए तो फिर से रह जाएगी। तो काफ़ी बढ़िया बनी, काफ़ी टेस्टी, तो अगर आपने ट्राई नहीं किया तो एक बार ज़रूर कीजिएगा। वैसे आप सभी ने ज़रूर ट्राई की ही होगी, क्योंकि मैं ही सबसे लेट लतीफ़ रहती हूँ, बट फिर भी अगर नहीं किया तो एक बार ज़रूर कीजिएगा, आपको काफ़ी पसंद आएगी। और थोड़ी स्पाइसी रहती है ना, तभी अच्छी लगती है, क्योंकि टमाटर और लेमन सब खट्टा होता है,
तो थोड़ी स्पाइसी होती है तो वो बैलेंस हो जाता है, तो बहुत ही अच्छी लगती है। आलू के पराठों के साथ तो बहुत ही अच्छी जो है लग रही है। मैंने भी थोड़ी टेस्ट की थी और हस्बैंड को भी काफ़ी पसंद आई। तो आपने नहीं की है ट्राई तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो बस चलिए जल्दी से ये कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ और इस व्लॉग को यहीं पर करती हूँ एंड। आशा करूँगी आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय करो, नहीं तो हम आवाज़ नहीं करेंगे, आवाज़ नहीं करेंगे, पहले बाय कर दो जल्दी, इधर देखो तो बाय कर दो, मुंह से भी तो बोलो, मुंह से बोलो, ऐसे ऐसे बोलो बाय।